साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, इनका नाम पारस सिंह है। पारस सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, जाति राणा राजपूत, निवासी भाकरपुरा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। ये व्यक्ति दोनों पैरों से विकलांग है, देख लो। ये दिव्यांग है, ये देख लो। ये व्यक्ति पारस सिंह दिव्यांग है। इसने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इन्होंने बताया कि मेरा एक खाताधारी खेत है, खसरा संख्या 491/56, रकबा 30 बीघा, 17 बिस्वा जमीन, ग्राम भाकरपुरा में 40 वर्षों से मेरा कब्जा है। कब्जा शुदा उसमें मैं बैठा हूँ। इन्होंने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मुझे बिना नोटिस दिए आरएलआर की कार्रवाई न्यायालय विचाराधीन ने मेरा आशियाना उजाड़ दिया है। ना तो मुझे नोटिस दिया है, ना मुझे इतला की है। मैं 40 वर्षों से बैठा था, मेरे घर को तोड़ दिया है। इन्होंने कहा मैंने और मेरे पिताजी ने पिछले 40 वर्षों से इस भूमि पर कब्जा तथा रहवास बना रखा है। मेरा पक्का मकान है, पक्का झोंपा है, कृषि कुएं है, कृषि मोटर लगाई हुई है तथा मेरे खेत में चारों तरफ तारबंदी भी की हुई है। दिनांक 18/10/2022 को तहसीलदार गुड़ामालानी, SDM गुड़ामालानी में जाप्ता तथा मुझे बिना नोटिस दिए मेरा आशियाना उजाड़ दिया, खेत की तारबंदी पूरी तोड़ दी है। पारस सिंह ने बताया कि मेरा खसरा संख्या नंबर 491 में अन्य खातेदार मांगाराम पुत्र प्रभुराम, श्यामराम पुत्र मांगाराम, मोतीराम पुत्र मांगाराम, मधुरूपाराम पुत्र चेलाराम, मधुरूपाराम पुत्र तेजाराम, जाति कलबी, निवासी भाकरपुरा वालों का एक कब्जा है, परंतु उनको वहां से नहीं हटाकर मुझे राजनीतिक भाव दबाव से मुझे वहां से हटाया गया है। इसलिए मैंने जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपकर इनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपन इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? पारस, मेरा नाम से। पारस जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ पक्का बेड़ा सा बोल दिया, मशीन ले ली और मेरे सब बेकोटल तार था, 300 छीना थी और दे मेरा पड़वा पट गया। मैंने के ये इधर 20,000 के जेल में दे दो, नस के धमकी दी। मेरा वार वो मेरा वाड़ी आता तोड़ दिया। हाँ। मेरा भी टोका था वो तोड़ दिया। क्या तोड़ा? 10,000 गुड़े थाना, गुड़ा थाना पूरी तहसील गुड़ा थाना पूरा। थाना नोटिस दियो? तो नहीं दियो, चार नोटिस मिले। कदे तोड़ा है? काले तोड़ा, काले तोड़ा। हाँ, तो थोड़ा तर पगोरे की हुए? पगोरे मेरे जड़प हुई थी, मेरा पिताजी भोला था। हाँ। और बुढ़ा था, मर गया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लारे पूछे कुछ नहीं है। हाँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास जमीन है, मेरा कब्जा 29 बीघा, मेरे खातेदार से रूढ़ी है। नारा साहब तहसीलदार मेरे खाता साठ ला दी थी। मेरा पिताजी तहसील में कागज ले गया, कागज अंगूठा डोकरा पाल ले लिया, मेरा 29 बीघा खातेदारी है। हमें तो कलेक्टर साहब मिले। हाँ, मिले अभी जी। साथियों, ये कलेक्टर से मिले हैं, इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ये दिव्यांग व्यक्ति है, दोनों पैरों से देख लो, दोनों पैर है। कुछ नहीं है, मेरा कुण नहीं है, भगवान है, एक राज माँ बाप है। देख लो, दोनों पैरों से दिव्यांग है। इसके साथ बिना नोटिस दिए इसका आशियाना उजाड़ दिया है। और ऊपर दीपावली का बड़ा पर्व आने वाला है, दीपावली के बड़े पर्व को देखते हुए इसका आशियाना है। ये कह रहा है मौका तफ्तीश देखी जाए। मैं साथियों, इस पोस्ट को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। 4,000 बीघा जमीन छोड़ के बैठा है, सबों पाए, सबों की छोड़ा हुआ है, सबके पास। ये कह रहा है सबके पास अवैध कब्जा है, सभी बैठे हैं, मुझे अकेले को वहां से हटाया है। इसका ये कह रहा है मेरा एक ही परिवार है, मुझे हटाया है, बाकी जो दबदबा वाले लोग है वो वहाँ कब्जा करके बैठे है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लाइट है, इसके बोरिंग है, सब पर्स में है, सब
पड़ोस में है, कब्जा है, उसके मकान टूट गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी मारी हुआ। साथियों शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता, जय माता।